नमस्कार। पवित्रम आरोग्य अभियान के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पवित्रम आरोग्य अभियान के अंतर्गत हम प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हमारी घरेलू औषधियों से, हमारे आसपास की औषधियों से हम आरोग्य को प्राप्त कर सकें और डॉक्टरों के मायाजाल में फंसने से बच सकें। आज उसी कड़ी में आपके सामने मैं लेकर आया हूं एक अद्भुत चीज। शायद आपने पहले देखी होगी या नहीं भी देखी होगी, यह देखिए, इसको कहते हैं सुगर बादाम। कुछ कुछ लोग इसे समुद्री बादाम भी कहते हैं, वैसे इसे स्काई फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। अब आप बोलेंगे इसे स्काई फ्रूट के नाम से क्यों जाना जाता है? बाकी दुनिया में जितने भी फल हैं, वो फल जब लगते हैं तो नीचे की ओर झुकते हैं, मात्र दुनिया में एक यही फल है जो लगने के बाद ऊपर उठता है। इसका पत्ता जिस डाली से ये लटका रहता है वो डाली ऊपर की ओर उठती है, इसलिए इसे हम लोग स्काई फ्रूट भी कहते हैं। और ये मोहगनी नामक पेड़ पर लगता है और यह शुगर के लिए और खासकर ब्लड शुगर के लिए रामबाण औषधि है, बहुत जबरदस्त कारगर औषधि है। मैं आपको इसके लाभ, इसके उपयोग की विधि और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन तीनों विषय में आज के वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको एक संपूर्ण जानकारी मिल सके और इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। तो सर्वप्रथम बातचीत करते हैं, इसमें एक सैंपनिन नामक तत्व होता है जिसके कारण यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके नियमित सेवन से ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है और ब्लड शुगर को नेचुरली ठीक किया जा सकता है। ये केवल शुगर में ही नहीं, इसके अलावा यह तिक्त गुण की होने के कारण, कड़वे गुण की होने के कारण यह त्वचा के रोगों में भी बहुत जबरदस्त लाभदायक है। इसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन संबंधी कोई समस्या हो, रक्त प्रवाह संबंधी समस्या हो, रक्त दोष संबंधी कोई समस्या हो, रक्त दोष के कारण बार बार फोड़े इत्यादि हो रहे हो, त्वचा के ऊपर कुछ कुछ गड़बड़ियां बार बार में दिखाई पड़ रही हो, उनमें यह बहुत काम की औषधि है। साथ ही यदि कोलेस्ट्रॉल संबंधी समस्या हो उसमें भी ये जबरदस्त काम करती है, और किसी को नींद नहीं आती हो तो रात में इसका सेवन करके सोने से नींद बहुत अच्छी आने लगती है। इन तीन चार चीजों में इसके बहुत अच्छे परिणाम देखे गए हैं। लेकिन साथ ही कुछ इसमें क्या क्या तत्व है उस पर आपको मैं बताता हूं कि इसके अंदर क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में विभिन्न प्रकार के विटामिन, आपको फैट, मिनरल, फोलिक एसिड, कार्ब्स, डाइट्री फाइबर, नेचुरल प्रोटीन और इन अनेकों तरह के एंजाइम इसके अंदर उपलब्ध है, जो भरपूर मात्रा में होने के कारण आपको इन चारों पांचों रोगों में जबरदस्त मदद करते हैं। लेकिन इसमें एक सावधानी रखनी है कि यदि आप थायराइड के रोगी हैं या लीवर संबंधी कोई समस्या है या फिर किडनी को संबंधी कोई समस्या है, तो इसका प्रयोग करने के पहले एक बार आप या तो मुझसे संपर्क करिएगा या आपका कोई वैद्य हो, आपके परिचित में कोई डॉक्टर हो, उनसे भी संपर्क करके बात करके आप प्रयोग करिएगा। इन तीन चीजों में, फिर से बोल रहा हूं, लीवर, थायराइड और किडनी संबंधी समस्याओं में आप अपने वैद्य से परामर्श करके ही इसका प्रयोग करिएगा। इसके बाद एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि इसके प्रयोग के कारण आपका जी मिचलाने लगे तो आप इसका प्रयोग बंद कर दीजिएगा। इसका तात्पर्य है ये आपको सूट नहीं कर रही है, यह औषधि सभी को सूट करे यह कोई जरूरी नहीं है। अब इसके सेवन की विधि में आते हैं अंतिम चरण में। यह देखिए, इस बादाम का सेवन नहीं करना है, इस बादाम को तोड़ेंगे तो इसके अंदर एक बीज निकलेगा। ये देखिए, एक हल्का सा बीज निकला है और इस बीज को आपको सेवन करना है। और इस बीज का सेवन कैसे करना है, तो इस बीज को या तो आप रात्रि में भिगोकर सुबह में इसका पानी पीकर चबा सकते हैं, एक तरीका यह भी है। दूसरा तरीका है इसके बीजों का पाउडर बना करके, बीजों का पाउडर बना करके सुबह और शाम गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। सुबह केवल भूखे पेट, एकदम आप फ्रेश होने के पहले यदि ले सकें तो बहुत ज्यादा लाभ करेगा, क्योंकि ये तिक्त औषधि है तो ये आपके पीएच को बढ़ाएगी, बॉडी का पीएच मान बढ़ाएगी। तो आप फ्रेश होने जाने के पहले इसका 2 ग्राम पाउडर का चूर्ण आप ले लें तो बहुत जबरदस्त काम करेगा। लेकिन या आप रात में इसको भिगो करके सुबह इसका सेवन कर सकते हैं। तीसरी यह प्रक्रिया है इसके, इस बीज का आप काढ़ा भी बना करके सुबह सुबह सेवन कर सकते हैं। तीनों में से जिस प्रकार आपको उचित लगे आप प्रयोग करिए। हम लोग इसके साथ कुछ अन्य औषधियां मिलाकर के भी सेवन करवाते हैं,
आपको ये औषधि यदि आसानी से मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिले तो आप हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे कार्यालय से संपर्क करके ये औषधि लागत मूल्य पर, किसानों के लागत मूल्य पर आप हम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है घर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाना। हमारी संस्था की जो नंबर है वो है 9874594199। उस नंबर पर आप संपर्क कर लें अथवा हमारी वेबसाइट पर संपर्क कर लें, हमारे कार्यकर्ता देश भर में फैले हैं उनसे संपर्क कर लें, जो संपर्क कर आप इसको प्राप्त करने का प्रयास करें, सेवन करें। ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के औषधि रोगों के लिए तो यह रामबाण औषधि है। नमस्कार, अगली बार फिर मिलेंगे फिर कोई अच्छी जानकारी के साथ, आपके ज्ञान बढ़ाने वाली जानकारी के साथ। जुड़े रहिएगा पवित्रम सेवा परिवार के इस अभियान पवित्रम आरोग्य में आप लोग, और आप भी जुड़िए, आप भी इसके कार्यकर्ता बनिए। हमारा यही आपसे आग्रह है ताकि हम घर घर तक आयुर्वेद को फैला सके। प्रत्येक व्यक्ति भारत में रहने वाला इस अभियान का हमारा सदस्य है, सब इसके कार्यकर्ता हैं। आप लोग जुड़िए और घर घर तक आयुर्वेद को फैलाने के इस अभियान में लगिए। और आपके परिचय में कोई भी क्रोनिक डिजीज का व्यक्ति हो, जो बहुत दिनों से किसी डिजीज से पीड़ित हो, वो अपनी अंग्रेजी दवाएं लेते रहे लेकिन साथ में प्राकृतिक इलाज क्या हो सकता है, उसके लिए वो हमारी संस्था से जरूर संपर्क करें ताकि हम इस राष्ट्र को आरोग्यवान बनाने में अपनी भूमिका निभा सकें। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गो माता।